दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 10 मई से 13 मई तक भिवानी हरियाणा में किया जा रहा है। पूरे भारत से इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन कर अलग अलग 3 टीम बनाई गई है, जिन्हें इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन व इंडिया ब्लू के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रॉफी में खेलने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से भिलाई निवासी संदीप वर्मा का चयन किया गया है। संदीप वर्मा पिछले 12 साल से छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टीम के सदस्य भी हैं। ये नेशनल टूर्नामेंट BCCI से मान्यता प्राप्त डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तत्वावधान में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे संदीप वर्मा को अपनी शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें मंच दे उनकी मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस बीड़ा के साथ छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी पहल अब और सार्थक हो गई है, जब राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेट स्पर्धा में भिलाई के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप वर्मा का चयन हुआ है। गौरतलब है कि डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हरियाणा में 4 दिवसीय दीपक मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। 10 से 13 मई तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के 12 साल से सदस्य रहे व अनेकों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर विजयी रहे संदीप वर्मा का चयन हुआ है। आंखों में चमक व जीतने का जज्बा लिए संदीप वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी रवानगी के पूर्व संदीप वर्मा छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव से भेंट करने पहुंचे। यहां उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं दीपक मेमोरियल ट्रॉफी को लेकर भी वहां पर दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव द्वारा दिए गए। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया और उन्हें उत्साहवर्धन बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही उन्हें उचित सामग्री व किट प्रदान करने की बातें भी कही गई। अपने जीवन की इस उपलब्धि, जब वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसे संदीप वर्मा ने व उनके सहयोगियों ने अमूल्य उपलब्धि बताया। मैं संदीप वर्मा, मैं इससे चयन हुआ है यहाँ पर हरियाणा 10 से 13 मई तक रहना था। मैं इससे खुशी हुआ कि यहाँ पर मैं सर ने मेरे इतना हेल्प किया कि यहाँ पर कि आने जाने का पूरा हेल्प किया है। मैं सर ने इतना इस खुशी में सर को मैं इतना भरी रहूँगा कि सर ने मैं इतना जो सर सर मेरे कर रहे हैं यहाँ तक विकलांग लोग बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं इतना बहुत खुश रहूँगा कि सर ने मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि हमको ऐसा इतना सर मिले इस तरह से, सर हमारे साथ सपोर्ट करे हैं इस तरह से हर तरफ से। अभी हमारे पास इतना किट है, इतना बैठे दुकानों के पास इतने यहाँ पर हमको जो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर सर थोड़ा सा हमको बस सर डिस्टर्ब उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद हो सकेगा मैं जहाँ खेलने जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा इस तरह से कि मैं अपना छत्तीसगढ़ का नाम कोशिश करके फिर नाम ना डूबे, लेकिन मैं अपने तरफ में सब कोशिश कर सकता हूँ उससे ज़्यादा हो सके जितना हो सके वहाँ तो मैं करूँगा। अन्य उपाय तो सर से मैं माफ़ी चाहूँगा उसमें इतना। हरियाणा का चयन हुआ है मेरा और सर से प्रणाम है श्रीवास्तव सर से। और क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए आप? संस्था के लिए बहुत अच्छा है मेरा चयन हुआ है, संस्था का और अध्यक्ष का आभार हूँ। मेरा नाम बसंत सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का प्लेयर हूँ और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त साथियों का चयन हुआ है हरियाणा में, जो 10 से 13 मई खेला जाएगा। और मैं छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन के सेक्रेटरी अध्यक्ष श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी हर परेशानी में सहयोग करते हैं हमारी। वहीं लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी व खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आप सभी को मेरा नमस्कार।
ये अत्यंत हर्ष की बात है कि दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के श्री संदीप वर्मा एवं श्री राकेश कुमार का चयन हुआ है। यह 13 से 15 मई हरियाणा में खेला जाना है। अत्यंत गर्व की बात है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए हमारे बच्चों ने कठिन परिश्रम करके यहाँ तक सफलता प्राप्त की है। यह एक T20 प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 3 टीम बनी जानी है, जिससे आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम का चुनाव होना है। जैसे कि आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं और दिव्यांगों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं और उनको मोटिवेट करके और आगे बढ़ाने करते ही रहते हैं, इस तरह का ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी, क्या आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए कोशिश करेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप जीता था। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, उसे दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने जीता था। कहीं ना कहीं दिव्यांग क्रिकेट को BCCI द्वारा मान्यता दी जा चुकी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात खिलाड़ियों की मोटिवेशन की, तो मैं आपको बताता हूँ कि संदीप वर्मा बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, आर्थिक विपन्नता में क्रिकेट को अपने खेल रहे हैं और बड़े गर्व के साथ मैं संस्था के माध्यम से आने वाले एक साल तक इनके लिए 2,000 रुपये स्कॉलरशिप की घोषणा करता हूँ। यह 2,000 रुपये प्रतिमा इनके अकाउंट में संस्था के अकाउंट से चले जाएंगे। दोनों खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। राकेश एवं संदीप, भविष्य आपका बहुत उज्ज्वल है बेटा। कठिन परिस्थितियां हमेशा आते रहती हैं। जिन खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, विषम परिस्थितियों में हारे ना, डगर कठिन है, हम साथ मिलकर चलेंगे और कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि संस्था बच्चों के रोजगार के लिए आने वाले समय में साबुन बनाने का, फिनाइल बनाने का, LED बनाने का, ऐसे वर्कशॉप का आयोजन करके इनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का भी प्रयास कर रही है। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, भिलाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव द्वारा खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाने प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल संदीप वर्मा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने आंखों में जीत का स्वप्न लिए वे आगामी दिनों में हरियाणा के लिए रवाना भी होंगे। अरुण श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें उचित सामग्री और किट भी प्रदान किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज भी संदीप वर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वे जीते और राज्य को गौरवान्वित करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।